जो आज तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई क्यों नहीं कहता है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए। 1932 की खतियान को मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने के लिए खतियानी झारखंडी पार्टी के संयोजक अमित महतो के नेतृत्व में तमाम आंदोलनकारी विधानसभा घेराव को लेकर विधानसभा के गेट के पास पहुंच चुके हैं, जहां पर पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग कर दी गई है। भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की घटना न हो। तार फिर अमित महतो के साथ पूरे खतियानी झारखंडी ने हल्ला बोला है। उनका कहना है कि जब तक खतियान लागू नहीं होगा, तब तक हम लोग ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। खतियानी झारखंडी पार्टी के संयोजक अमित महतो ने सीधा सरकार पर हमला बोला है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अमित महतो ने। सर, इस सरकार की मानसिकता स्पष्ट हो चुकी है, ये सरकार लागू नहीं करेगी, हम भी ये जानते हैं। लेकिन आज सर हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा एकमात्र मकसद है कि इस महत्वपूर्ण विषय को चलते सत्र में चर्चा में लाया जाए, ताकि एक एक विधायकों की मनसा क्या है सर वो बेनकाब हो सके, पर्दाफाश हो सके। आखिर ये विधायक चाहते क्या हैं? यदि हम हमारे विधानसभा अध्यक्ष, आज हम विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देंगे, अगर विधानसभा अध्यक्ष महत्वपूर्ण सदन में ये कहेंगे कि खतियान आधारित नियोजन नीति बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, खतियान आधारित स्थान नीति घोषित होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, तो उसमें कितने लोग सत्ता पक्ष वाले या विपक्ष में जो भी हैं हाँ कहें, और जो नहीं कहने वाले हैं तो ना कहें, तो पता तो चल जाएगा सर उनकी मानसिकता क्या है। तो हम बस यही चाहते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय को चलते सत्र में चर्चा में लाया जाए। जो आज तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई क्यों नहीं कहता है कि खतियान के आधार पर स्थान नीति बननी चाहिए, नियोजन नीति बननी चाहिए, क्यों नहीं बात करता है? चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर राजसू पार्टी की बात करें, आप इन 17 सालों 18 सालों में कभी आपने इस बात को सोचा कि हमारी झारखंडियों को नौकरी कैसे मिले, हमारे खतियानधारियों को नौकरी कैसे मिले, उसके साथ कैसे इंसाफ हम कर सकें? कभी इस चीज़ को नहीं सोचा। हम आपको बताना चाहते हैं सर, ये जो हमेशा कहते हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हों या फिर दूसरे दल के लोग हों, ये हमेशा यही कहते हैं कि कोर्ट के द्वारा उसको निरस्त किया गया है। खतियान के आधार पर अगर स्थानीय नीति बनेगी तो ये इस मामले को 2002 में निरस्त किया गया है, ये यही कहते हैं। हम बताना चाहते हैं सर कि ये उस समय कोर्ट के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कुछ एक बिंदुओं पर आपत्ति जताई गई थी। उसमें आपत्ति कौन सा था सर, हम आपके चैनल के माध्यम से अब तमाम खतियानधारी झारखंडियों को बताना चाहते हैं, नेतागणों को बताना चाहते हैं, और ये आज सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि आखिर वो महत्वपूर्ण विषय कौन से थे जिस पर कि कोर्ट ने आपत्ति जताई थी। उसमें कहा गया था कि खतियान को आधार मानते हुए स्थानीय घोषित किया जाए, उसको नियोजित किया जाए, और जिसके पास अगर नहीं है खतियान या महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या करेंगे आप? जब कोर्ट का ये जानना था, इनके द्वारा कहा गया था कि उस गांव के, उस क्षेत्र के 5 व्यक्ति इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। अब बताइए सर, 5 व्यक्ति डिसाइड करने वाला होता कौन है? ये तो कतई सही बात नहीं थी, ये उचित प्रतीत नहीं होता था, इसीलिए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया सर, निरस्त कर दिया। हमारा ये मानना है कि जिसके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को चिन्हित करने का काम ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा का मुखिया होगा, समिति होगा, सदस्य होगा, उसके वार्ड मेंबर होंगे, प्रधान होंगे, ऐसे तमाम लोग इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। जो वहाँ की ग्राम सभा होगी वो ये बताएगा कि हमारा यहाँ का व्यक्ति खतियानी अगर नहीं है, खतियान जिसके पास नहीं है, वो हमारा स्थानीय है कि नहीं है, और उसे नियोजित कराया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सर होगा, लेकिन हमारे तमाम सरकारों ने, चाहे हम बाबूलाल जी की बात करें, गलत तरीके से उन लोगों ने अपने कोर्ट में बात को रखने का काम किया। उसके बाद में अर्जुन मुंडा जी आए, उन्होंने कभी इस पर पहल नहीं किया। उसके बाद में उसके शागिर्द हमेशा चलने वाले व्यक्ति सुदेश महतो जी, कभी इस पर बात नहीं की इन्होंने। और जब फाइनली रघुवर जी की सरकार बनी तो ये तकलीफ देह बात है, चिंताजनक है, और हम काफ़ी पीड़ित हैं कि उन्होंने 85 वाली नीति बना दी, कि जो 85 से रह रहा है हमारे झारखंड प्रदेश में वो व्यक्ति हमारा झारखंडी है। तो ये तकलीफ देह थी, और इन्होंने 11-13 जिलों को बांट दिया, जैसे कि आज न्यायालय ने भी खारिज कर दिया। और उसके बाद में जब एक सोच के साथ, पूरी उम्मीद के साथ में, पूरे विश्वास और भरोसे के साथ में हमारी झारखंडी जनता ने झारखंड की सत्ता शिबू सोरेन जी के पुत्र हेमंत जी को देने का काम किया, झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का काम किया, यहाँ की पार्टी को देने का काम किया गया, तो ये पार्टी भी
उनकी उम्मीदों से पूरी तरीके से उलट कर आज काम करने में लगी हुई है। और ये कहते हैं विधानसभा के सदन स्थल पर कि अगर खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनती है तो कोर्ट में मामला फंसेगा। समझ सकते हैं सर कि अगर ऐसी मानसिकता लेकर अगर कोई हमारा व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो हमारा प्रदेश कहाँ जाएगा? तो झारखंडी कर सम्मान नहीं होगा तो आज हम पूछे जाए ये राज काकर खातिर इतना शहादत दे लिए 42,00,000 जान दे के राज ले ली, बरही से बरहा घोड़ा कहीं चल जाए, हर चौक में झारखंडी कर खून से बनल सिंचल आज मूर्ति है और आज हम इन अपन अस्तित्व का लड़ाई लड़ रहा ली। वो जल्दी सबसे हम कह चाहे सब यहाँ हम इन रुक गया ली, सब साथी सब है हम इन विधानसभा अध्यक्ष से मिल के अपन ज्ञापन सौंप हम इन दोसर ककरो नहीं सौंप और अगर प्रशासन हम इनके आराम से लेके विधानसभा अध्यक्ष के दिया देते हम इनके कोई दिक्कत ना है, हम इनके प्रशासन से कहीं लड़ाई ना है, हम इनके सिस्टम से लड़ाई है, सरकार से लड़ाई है। और अगर प्रशासन चाहे कि हम इनके जोर जुलूम के अपन डंटा के दम पर आवाज़ दबा देते तो हम इन दबे वाला ना ही हो, एक खातिर जान दे के राज ले ली जरूरत पड़ ले तो आज भी हम इन खून पसीना है के विधानसभा अध्यक्ष से मिल के जीवा अपन मांग पत्र सौंप के जीवा, हम इन तब तक हिलबे ना और हम इन यहाँ से जीवे ना, हम इन मांग पत्र सौंप के जीवो विधानसभा अध्यक्ष से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।